अच्छा दोस्तों, आप लोग तो प्रिंटर का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा चलिए, प्रिंटर नहीं भी इस्तेमाल करते हैं तो कोई ना कोई डॉक्यूमेंट जो है उसको प्रिंट करवाने के लिए आप किसी प्रिंटर वाले के पास जाते हैं। ऐसे में आपके लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि ये जो है डेली लाइफ में जो है ज़रूरत पड़ता है। तो आप ये चीज़ को समझ पाए कि आखिर इंकजेट प्रिंटर जो होता है और लेजर प्रिंटर होता है, दोनों में क्या अंतर है। हो सकता है कभी आप प्रिंटर खरीदने जाए, ऐसे में जब दोनों के बारे में समझ चुके रहेंगे तो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा। इसीलिए दोस्तों, अगर जानना चाहते हैं कि इंकजेट और लेजर प्रिंटर में क्या डिफरेंस है, दोनों में क्या अंतर होता है, इसके लिए आपको वीडियो जो है शुरू से लेकर के लास्ट तक देखना पड़ेगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अजय और आप देख रहे हैं एज इनफॉर्मर। देखिए, इंकजेट, पहले इंकजेट समझते हैं। इंकजेट में नाम से ही समझ में आ रहा है कि उसमें इंक होगा, है ना। चलिए, अब ये प्रिंटर क्या होता है सबसे पहले मैं बता देता हूँ। अगर ये प्रिंटर खरीदने जाइएगा तो प्रिंटर का कॉस्ट बहुत ही सस्ता पड़ता है, लेकिन इसमें जो है क्या होता है कि इंकजेट प्रिंटर में इंक का इस्तेमाल होता है। अब जो कॉटेज होगा, कॉटेज में आपको इंक डालना पड़ेगा, मतलब जो रंग होता है वो आपको डालना पड़ेगा। रंग का मतलब है कि लिक्विड के फॉर्म में। अब इस प्रिंटर जो वर्क भी करता है, तो इसमें जो भी जो टेक्स्ट रहता है, जैसे प्रिंट होना है, तो उसमें लिक्विड जो है ड्रॉप गिरता है और इसके बाद जा करके जो वो है प्रिंट होता है, ऐसे करके होता है। अब बात करते हैं लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर में क्या होता है दोस्तों, एक सिलेंडर होता है और वहाँ पे जो भी जो कॉटेज होता है, जो कलर भरा जाता है, उसमें जो डस्ट के फॉर्मेट में होता है। अब वो सिलेंडर जो है क्या होता है, मूव होते रहता है। मूव होने के बाद वहाँ पे लेजर बीम आता है और मिरर से टकरा करके वो जो टेक्स्ट प्रिंट होना है वो एक तरह से उसका जस्ट अपोजिट प्रिंट वहाँ पे शो होने लगता है, उस जो सिलेंडर रहता है उस पे, और इसके बाद जा करके प्रिंट होता है। वो घूमते रहता है, पेपर साथ में घूमता है और इसके बाद प्रिंट होता है। दोनों का फंक्शनैलिटी समझ गए। अब मैं आपको बता देता हूँ कि दोनों में से कौन अच्छा है, किस में क्या, किस पर्पज़ से किसको यूज कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहला, अगर आपको फोटो प्रिंट करना है, आपको जो है कलरफुल फोटो प्रिंट करना है, हाई क्वालिटी, अच्छे क्वालिटी का, ऐसे में आपको जो है ज़रूरत पड़ेगी इंकजेट प्रिंटर का। इंकजेट प्रिंटर में जो है प्रिंट होता है बहुत धीरे धीरे होता है। ऐसे में देखते हुए कि कहीं भी आप फोटो बनवाने जाते हैं, तो जब प्रिंटर के लिए वहाँ पे प्रिंट करने के लिए आउटपुट दिया जाता है रिजल्ट, तो वो थोड़ा स्लो होता है, धीरे 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 प्रिंट होता है। अब इसके बाद क्या होता है यहाँ पे कि प्रिंट जो होता है इसमें इस्तेमाल होता है, तो ऐसे में ज़्यादा कॉपी प्रिंट भी नहीं होता है। तो अब समझ गए, इंकजेट प्रिंटर का कॉस्ट सस्ता पड़ेगा, लेकिन इसका जो कॉटेज होता है, इंक होता है, ये थोड़ा महंगा होता है। और इसमें जो है प्रिंटिंग भी स्लो होता है, ज़्यादा पेज आप प्रिंट भी नहीं कर सकते। लेकिन आपको अगर फोटो प्रिंट करना है, तो ऐसे में आपको इंकजेट प्रिंटर का ही जरूरत पड़ेगा वहाँ पे। दूसरा, इसका इस्तेमाल कहाँ होगा, जैसे कि आपके पास लीगल डॉक्यूमेंट है। लीगल डॉक्यूमेंट कहने का मतलब है कि कानूनी वाला जो पेपर है उसको अगर प्रिंट करवाना चाहते हैं, स्टाम्प पेपर पे कोई चीज़ प्रिंट करवा रहे हैं, तो ऐसे में भूल से भी लेजर प्रिंटर से प्रिंट नहीं कराइएगा। रीजन मैं आगे बता दूंगा, लेकिन अभी समझ लीजिए कि ये सब डॉक्यूमेंटेशन जो है उसको प्रिंट करने के लिए जो बहुत समय तक रखना है, ऐसे डॉक्यूमेंट को आप हमेशा इंकजेट प्रिंटर से ही प्रिंट कीजिएगा। हो गया, इंकजेट प्रिंटर समझ गए। अब आते हैं दोस्तों लेजर प्रिंटर पे। लेजर प्रिंटर, प्रिंटर का कॉस्ट थोड़ा महंगा पड़ेगा। इसमें जो है कॉटेज है, ये सस्ता पड़ेगा, आपको जो है 50 रुपया, 100 रुपया इतना तक कॉटेज आ जाएगा। और एक बार कॉटेज भराइएगा तो अच्छा खासा प्रिंट भी होगा, प्रिंटिंग जो है स्पीड बहुत फास्ट होगा, जल्दी जल्दी जो है पेज को प्रिंट करेगा। और इसके बाद जो है इसमें जो मान लीजिए फोटो है, तो इसके लिए पर्पस नहीं है आपको। लेकिन अब मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ क्यों मैं बोला कि आपको जो है लीगल डॉक्यूमेंट हो गया, कोर्ट वाला पेपर है, स्टाम्प पेपर है, इस पर प्रिंट नहीं करना चाहिए। लेजर प्रिंटर में क्या है कि आप जो भी चीज़ प्रिंट कीजिएगा, अगर प्रिंट करने के तुरंत बाद जब तक पेज गर्म रहेगा, आप कोई पेपर लीजिए, वो प्रिंटेड पेपर, और कोई कपड़ा लेकर के ऐसे करके साफ कर दीजिए, वो जो भी प्रिंट हुआ उड़ जाएगा, सब कुछ साफ हो जाएगा, ब्लैंक हो जाएगा। तो होता क्या है कि लेजर प्रिंटर वाला जो है डॉक्यूमेंट अगर प्रिंट करते हैं, तो कुछ समय बाद वो झड़ना शुरू हो जाता है, उसमें से कलर गिरना शुरू हो जाता है, ज़्यादा उसको जो है रगड़ा जाएगा, कहीं ऐसा उठा पटक होगा डॉक्यूमेंट का। अब मान लीजिए कि लीगल डॉक्यूमेंट हो गया, वो सब तो बरसों रखा जाता है, पुस्तों का पुस्त रहता है कि कानूनी है पेपर है, जमीन का पेपर है, तो ऐसे में आप कभी भी इंकजेट प्रिंटर से प्रिंट नहीं करवाइएगा। तो समझ गए, अलग अलग पर्पस है, इंकजेट का अलग पर्पस है और लेजर प्रिंटर का अलग पर्पस है। अगर आपके पास कोई ऑफिस में है, जैसे कोई चीज़ एडमिट कार्ड हो गया, बहुत सारा चीज़ जो है ज़्यादा टर्म दिन के लिए नहीं रहता है, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं रहता है, तो वो सब प्रिंट करवाना है तो लेजर प्रिंटर का इस्तेमाल कीजिए। अगर आपके ऑफिस में है तो ऑफिस में एक लेजर प्रिंटर रखिए, एक इंकजेट प्रिंटर रखिए। जहाँ पे भी लीगल डॉक्यूमेंट हो गया वहाँ पे इंकजेट इस्तेमाल कीजिए, नहीं तो लेजर प्रिंटर इस्तेमाल कीजिएगा। दोनों में डिफरेंस समझ गए।
दोस्तों अगर आप जो है इसी टाइप से कुछ जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, और ये जरूर बताइए कि आपके काम के लिए लेजर प्रिंटर सबसे सुटेबल रहेगा या इंकजेट प्रिंटर रहेगा। और ये वीडियो जो है अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक के साथ साथ दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।